फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपना हिबिस्कस न्यू प्लांट दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बाजू में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये न्यू प्लांट है मेरा हिबिस्कस प्लांट, गुड़हल के पौधे, और इन्हें लगाए हुए सिर्फ मुझे 2 महीने हुए हैं। और इनकी ग्रोथ भी आप देखिए, और ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको लगाए हुए मुझे 1 साल हो गए हैं। बहुत छोटा प्लांट था ये, तब मैं ग्रो की थी इनको, अब जाके ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 ही महीने हुए हैं, और देखिए कितने बड़े बड़े इनके फूल आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैंने कटिंग भी लगाया हुआ है हिबिस्कस के, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा लास्ट तक। हालांकि मैंने कटिंग्स के वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, तो अभी इस मौसम में आप इनके कटिंग्स भी लगा सकते हैं, और एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, और ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने ग्राफ्टिंग किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैंने हिबिस्कस प्लांट पे कई वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं हमेशा ही आप सभी को अपना हिबिस्कस प्लांट दिखाती रहती हूँ। तो एक प्लांट आप देख ही रहे हैं, ये मेरा नया प्लांट है। और फ्रेंड्स, गुड़हल पे बहुत ही ज़्यादा कीड़े अटैक करते हैं, तो कीड़ों के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे हर 10 दिन से 15 दिन से, तो कोई भी कीड़े आपके प्लांट्स को नहीं लगेंगे। और मैं हर वीडियो में आप सभी को बताती रहती हूँ, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, और 1 महीने में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं इन्हें। 1 महीने में मैं वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ इस टाइम तो बारिश बहुत हो रहे हैं मेरे यहाँ, तो लिक्विड नहीं दे रही हूँ, तो वर्मी कंपोस्ट मैं दे रही हूँ इन्हें 1 महीने पे। और फ्रेंड्स, इन्हें ग्रो करने के लिए आप सॉफ्ट मिट्टी तैयार करें, वेल्डन सॉइल में इन्हें लगाएं, तो ग्रोथ अच्छी होती है, और हमारे गमलों में पानी नहीं जमते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ आप सभी को। और ये वाइट हिबिस्कस आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इनको मैंने कई जगह पे लगाया हुआ है, और रेड तो मैं हमेशा ही आप सभी को दिखाती रहती हूँ, कई वीडियो में मैंने दिखाया है आप सभी को। तो यहाँ पे ग्राफ्टिंग प्लांट है मेरे सभी लगे हुए, बड़े से पॉट में 3-4 प्लांट लगे हुए हैं। और इधर मेरे 2-3 प्लांट एक पॉट में लगे हुए हैं। और ये वाला हिबिस्कस देखिए, ये खूब बड़े से फूल होते हैं, बिल्कुल रेड है ये, और खूब बड़े से फूल होते हैं। बहुत छोटा प्लांट है मेरा, और 2-3 प्लांट एक ही पॉट में मैंने लगाया हुआ है, और ग्राफ्टिंग है कुछ प्लांट पे, तो ग्राफ्टिंग भी मैंने किया हुआ है इस मंथ में, तो आप भी कर सकते हैं। तो देखिए, इधर का पूरा मेरा हिबिस्कस प्लांट लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ग्राफ्टिंग भी किया हुआ है, तो ग्राफ्टिंग पे मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस बार इस मंथ में मैंने ग्राफ्टिंग भी किया है, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ग्राफ्टिंग मैंने किया है, तो एक तो मेरे सक्सेस हो चुके हैं, और इधर भी। तो ग्राफ्टिंग करें तो 2-3 टहनी में करें, 2-3 क्या 4-5 ब्रांचेस में करें, ताकि 1-2 फेल भी हो जाएंगे तो 1-2 सक्सेस भी हो जाते हैं। और कटिंग्स भी इसी तरह से ग्रो करें, 4-5 कटिंग्स लगाएं, ताकि 1-2 फेल भी हो जाते हैं तो 1-2 लग भी जाएंगे। तो इसी तरह से आपको कटिंग्स भी लगाने हैं, और ग्राफ्टिंग भी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 1-2 फेल भी हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, 1-2 लग भी जाते हैं। तो देखिए, मेरा लगभग सभी लग चुके हैं, और एक ही फेल हुए हैं, बाकी सभी लग चुके हैं। तो और भी मैंने कटिंग्स लगाया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे भी मैंने कटिंग्स लगाए हैं। फ्रेंड्स, आप कटिंग भी लगाएं तो जिस मिट्टी में आप अपने प्लांट्स को लगाते हैं, उसी मिट्टी में कटिंग्स को भी लगाएं। फ्रेंड्स, आप कटिंग लगा करके शेडी प्लेस में रखें, छांव में रखें, और जिस प्लांट पे आपने ग्राफ्टिंग किया हुआ है, उस प्लांट को भी आपको शेडी प्लेस में रखना है, छांव में रखना है आपको।
तो फ्रेंड्स आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं और ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं इस मंथ में, तो मैंने किया हुआ है, आप सभी को दिखा भी दिया। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, नमस्कार।